वेलकम बैक गाइस, क्लासिकल टेस्ट आ चुका है। आज फिर से आपके लिए बहुत ही इजी सी और टेस्टी सी, बिना मसाले की बनी हुई एक हेल्दी सी बैगन की सब्जी, जो कोई भी खाएगा ना तो उंगली चाटता रह जाएगा। आपको तो पता है बच्चों को बैगन जल्दी पसंद नहीं आता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई, बैगन ही उनकी फेवरेट सब्जी हो जाएगी सबकी। बहुत टेस्टी तरीके से हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना मसाले के बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें इसको बनाने के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मेथी ले ली है और जीरा ले लिया है, थोड़ा सा सोया हमने चॉप करके रख लिया है। सोया में बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए हम सोया को भी डालेंगे साथ में, आप भी डालिएगा। ये थोड़ी सी हींग ले ली है हमने यहाँ पे, ये चॉप किए हुए हमारे 4 टमाटो। यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को अच्छे से कूट लिया है और मिर्चों को चॉप कर लिया है, आपको भी ऐसे कर लेना है। ये हमारी धनिया, यहाँ पे भी हमने लहसुन मिर्चा को कूट के रख लिया है, इसे हम लास्ट में डालने वाले हैं। अभी प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। और फाइनली हमारे चॉप किए हुए बैगन, जिसकी हम आज सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 4 बैगन को ही लिया है, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार जितनी क्वांटिटी आपको बनानी हो वो बनाइएगा। और ये हल्दी और नमक, जिसको तो डालना है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को जला लिया है, थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए फिर हम इसमें तेल डालेंगे। हम सरसों के तेल में ही खाना बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से सब्जी में टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सरसों का तेल का जो स्वाद होता है, उसके खाने का जो स्वाद होता है, वो और किसी तेल में नहीं आ सकता है। आप भी सरसों के तेल में ही बनाइए तो सब्जी बहुत लाजवाब बनेगी, नहीं तो आप जो प्रेफर करें उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हींग को डाल दिया है, अब हम इसमें जीरा और मेथी डाल देंगे और इसे तड़कने देंगे। अब हम लहसुन मिर्चा और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे और तड़कने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा लहसुन और मिर्चा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें बैगन को ऐड कर देंगे। थोड़ा आराम से डालिएगा, नहीं तो छिट्टा फेंकेगा ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गलने देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। वापस से हम इसे चेक करेंगे और चला लेंगे। हमें इसे पूरे तरीके से नहीं गलाना है, बस हल्का सा गलाना है। और यहाँ पे ये हल्का सा गल चुका है, तो अब हम इसमें हमने टोमेटो को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर हो या प्याज जल्दी गल जाती है, तो हम टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर खाने में स्वाद बढ़ा देता है, मुझे तो बिना टमाटर की सब्जी पसंद ही नहीं है। आप भी एक बार इसी तरीके से बनाइएगा और खा कर देखिएगा। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो एक बार इस तरीके से पका कर देखिए, आप भी अक्सर खाएंगे। अब हम इसे ढक कर गलने देंगे। बीच बीच में आपको भी चलाते रहना है ताकि हम बैगन और टमाटर गलने ना पाए, जलने ना पाए, सॉरी। चेक करते रहिए। अब हम इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे गलने देंगे और इसे अच्छे से चलाकर चेक कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ठीक से गला नहीं है, तो हम इसे अभी और गलने देंगे। अब हम इसे वापस से फिर से चला लेंगे। आपको भी ऐसे ही दो दो तीन तीन मिनट पे चेक करते रहना है ताकि जलने ना पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गल गया है, पर अभी इसे हम थोड़ा सा और गलने के लिए दो तीन मिनट पकने देंगे, फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर और बैंगन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें सोया को ऐड करेंगे। अगर आपका मन ना हो तो आप एक बार फिर सोया नहीं भी डालेंगे, आप ऐसे पकाएंगे तो भी बैंगन की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, पर सोया के साथ बैंगन की सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार इसी मेथड से पका के देखिएगा, उंगली चाटते रह जाएंगे, वाकई आप दीवाने हो जाएंगे सब्जी के। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी को डालेंगे। एक चम्मच हल्दी यहाँ पर मैंने डाल दी है, छोटा चम्मच था मेरा, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। लो फ्लेम पे हमें पकाना है, याद रखिएगा गाइस। अभी जब मैंने लो किया था फ्लेम को, तब से लो ही रहेगा ये। हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है, चलाते रहना है, ताकि हमारी सब्जी जलने ना पाए। हम इसे दो तीन मिनट ऐसे ही खुला पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। हम इसे अब ढक देंगे और ढककर पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गल चुका है। अब जो हमने लहसुन मिर्चा को कूट कर रखा था, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। आपको याद रखना है कि आपने टमाटर को गलाने के लिए नमक डाला था, तो इसी हिसाब से डालिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो सब्जी में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे वापस से ढक कर पकने देंगे। दो मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी पक चुकी है और अब हम इसमें भुना जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और आपके पास अगर भुनी धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच भुना जीरा डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर सारा मसाला अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। जो भी मसाला नमक हम यूज़ कर रहे हैं, आपको जैसा पसंद हो आप उतना ही डालिएगा। हमें खाने में तीखा ज़्यादा पसंद है, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा मिर्चा डाला हुआ है। आप कम हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, जैसा आप प्रेफर करें। हम इसे थोड़ी देर वापस से ढक करके पकने देंगे। बस आधे मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सब्जी ने अपना तेल छोड़ दिया है। सब्जी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें बस धनिया को ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को तेज फ्लेम पे हम कर देंगे और अब इसे बंद कर देंगे। हमारी सब्जी पक के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की लग रही है और क्या खुशबू आ रही है इसमें से। ये हमारी सब्जी यहाँ पे कितनी कमाल की लग रही है। आप ये सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इस सब्जी को खाते रह जाएंगे। इतनी पसंद आएगी आपको कि ये आप कई बार बनाकर खाएंगे। मुझे मेरी तो ये फेवरेट हो चुकी है और आप भी खाकर बताइएगा आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।